अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के बैनर तले सभी मीटर रीडरों का कार्य बहिष्कार जारी रहा। उच्चाधिकारियों को BCITS कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन ज्ञापन सौंपने के बाद मांगे पूरी न होने पर गुरुवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मीटर रीडर करोड़ेश दुबे के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू किया गया। जब तक कंपनी द्वारा लिखित रूप से आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हमारा कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। इस दौरान प्रदीप कुमार, सोनू गुप्ता, अभिषेक, अश्वनी, नीरज, राहुल, मुख्तार, एहसान, देवी शंकर, विनोद सिंह, हेमंत कुमार, सत्येंद्र मौर्य, विशाल पटवा, अमित शर्मा सहित अन्य मीटर रीडर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मीटर रीडर करुणेश दुबे ने कहा, मीटर रीडर यूनियन जिंदाबाद, 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 रीडर यूनियन संघ जिंदाबाद, 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 मीटर रीडर यूनियन संघ जिंदाबाद, 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 विद्युत मजदूर पंचायत संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, मांगी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, विद्युत मजदूर पंचायत संघ जिंदाबाद। करुणेश दुबे, हम लोग मीटर रीडर यूनियन संघ से हैं, मीटर रीडर कार्य करते हैं, गोरखपुर महानगर में बिलिंग का कार्य करते हैं। हम लोगों की कुछ मांगे थी जो हम लोग SC साहब और चीफ साहब को दिया गया और BCITS कंपनी को दिया गया लिखित में, और उसमें ये लिखा गया था कि अगर 5 तारीख से हम लोगों की मांग अगर 5 तारीख के पहले पूरी नहीं की जाती हैं तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए। तो कल हम लोगों का ईद था, सारे लोग ईद की छुट्टी मना रहे थे, तो इस नाते आज से हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक चलेगा यह अनिश्चितकालीन? चलेगा जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी।